सो इन दिस क्वेश्चन अ बुलेट ऑफ मास जीरो पॉइंट जीरो फोर किलोग्राम मूविंग विद द स्पीड ऑफ नाइन्टी मीटर पर सेकेंड एक बुलेट है जिसको हम डिनोट कर देते हैं मास एम से कितना है मास एम जीरो पॉइंट जीरो फोर किलोग्राम ये हमें गिवन है इस मूविंग विद द स्पीड इसकी कुछ वेलासिटी गिवन है तो हम लेट कर लेते हैं यू इनिशियल वेलासिटी है जिसको हम यू से डिनोट करेंगे और फाइनल वेलासटी को हम डिनोट करेंगे वी से तो इनिशियल वेलोस्टियाँ गई यू ये हमें गिवन है नाइन्टी मीटर पर सेकेंड एंटर्स अ हैवी वुडन ब्लॉक एक वुडन ब्लॉक गिवन है एंड इज टॉप आफ्टर अ डिस्टेंस ऑफ सिक्सटी सेंटीमीटर तो इसका क्या मतलब है ये जो बुलेट है वो किसी वेलोसिटी से गई और इस बॉक्स के अंदर तक चली गई कितनी अंदर गई इस बॉक्स के लेट कर लेते हैं इस पॉइंट तक गई P जो हमें गिवन है सिक्सटी सेंटीमीटर तो हम तो इसको X से डिनोट कर लेते हैं सिक्सटी सेंटीमीटर इन ऐसा यूनिट मीटर में कन्वर्ट करेंगे इनटू टू टेन एस टू पावर माइनस टू मीटर इसका मतलब इस पॉइंट तक जाने के बाद यह बुलेट स्टॉप हो गई तो फाइनल वेलोसिटी को हम क्या लिख सकते हैं जीरो V इक्वल टू जीरो तो हमें क्वेश्चन में क्या फाइंड आउट करना है वट इज़ द एवरेज रजिस्टिव फोर्स एक्सर्टेड बाई ब्लॉक ऑन बुलेट एवरेज रजिस्टिव फोर्स रजिस्टिव फोर्स होता है किसी की स्पीड को रोकना रजिस्ट करना ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाना अब न्यूटन्स थर्ड लॉ में क्या आता अगर एक बॉडी किसी दूसरी बॉडी को फोर्स लगाएगी तो उस पर उतना ही फोर्स लगेगा तो ऐसे ही बुलेट इस बॉक्स पे कुछ फोर्स लगाएगी जब एंटर करेगी तो जितना फोर्स है बुलेट बॉक्स पे लगाएगी बुलेट उतना ही फोर्स लगाएगा ना बॉक्स इस बुलेट पे तो हम फोर्स कैलकुलेट कर लेंगे ड्यू टू बुलेट फोर्स ड्यू टू बुलेट ऑन बॉक्स मेन हमें यही कैलकुलेट करना है क्योंकि जितना फोर्स बुलेट लगाएगी उतना ही फोर्स बॉक्स लगाएगा तो हमारा रजिस्ट्री फोर्स ड्यू टू बॉक्स हमें मिल जाएगा यहाँ से हमारा फोर्स कितना होगा जो बुलेट लगाएगी ऑन वुडन ब्लॉक इज इक्वल टू एम ए ये हमें कैलकुलेट करना है मास हमें इस बुलेट का गिवन है इसी ज़ीरो पॉइंट जीरो फोर किलोग्राम तो हमें क्या कैलकुलेट करना है एक्सलेशन तो वहाँ से हमारा फोर्स आ जाएगा तो अब हमें जो जो गिवन है और जो हमें कैलकुलेट करना है उसको देख के हम अपनी इक्वेशन ऑफ मोशन जो थी तीन वी इज इक्वल टू यू प्लस एटी एस इजिकल टू यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर एंड वी स्क्र माइनस यू स्क्वेयर इज इक्ल टू टू ए एस इनमें से इक्वेशन यूज करके वहाँ से हम एक्सेलेशन कैलकुलेट करेंगे तो एक्सेलेशन कैलकुलेट करनी है हमें वी गिवन है यू गिवन है ऑल्सो एक्स एक्स है डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस कवर्ड बाय बुलेट तो हम डायरेक्टली थर्ड इक्वेशन यूज करेंगे क्योंकि टाइम का हमें कुछ गिवन नहीं है तो यूजिंग थर्ड इक्वेशन वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायेर इजिक्वल टू टू एस वी कितना है ज़ीरो माइनस यू का स्क्वायर नाइन्टी स्क्वायर इजिक्वल टू टू इंटू ए हमें कैलकुलेट करना है इंटू एस हमें कितना गिवन है सिक्सटी इंटू टेन एच टू पावर माइनस टू यहाँ से आ गया एटी वन हंड्रेड इंटू टू इंटू सिक्सटी वन ट्वेंटी इंटू टेन एच टू पावर माइनस टू इंटू तो ए आ गया माइनस एटी वन हंड्रेड डिवाइड बाई वन ट्वेंटी इंटू टेन एच टू पावर माइनस टू जीरो से जीरो कैंसिल थ्री से कट हो रहे थ्री फोर सा ट्वेल्व थ्री ट्वेंटी सेवन और ज़ीरो एक्सलेशन आ गया टू सेवेंटी डिवाइड बाई फोर माइनस टू सेवेंटी इंटू टेन एच टू पावर टू तो इसको सोल्व करेंगे जहाँ से हमारा एक्सेलेशन आ जाएगा तो ए इजिकल टू माइनस टू सेवेंटी डिवाइड बाई फोर इंटू टेन एच पावर टू इसको ओपन कर देंगे माइनस टू सेवेंटी डिवाइड बाई फोर इंटू हंड्रेड तो फोर इंटू ट्वेंटी फाइव इनको मल्टीप्लाई करके एक्सेलेसन आ जाएगा माइनस सिक्स सेवन फाइव ज़ीरो इसकी यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड माइनस टू एक्सलेसन आ गया माइनस सिक्स सेवन फाइव ज़ीरो अब हमें फोर्स निकालना है फोर्स इज इक्वल टू एम इंटू ए फोर्स कितना आ गया मास कितना था जीरो पॉइंट जीरो फोर इन टू एक्सोलेशन माइनस सिक्स सेवन फाइव ज़ीरो यहाँ से फोर डिवाइड बाई हंड्रेड इंटू माइनस साइन सिक्स सेवन फाइव ज़ीरो इसको सोल्व करके हमारा फोर्स आ गया माइनस टू सेवेंटी न्यूटन फोर्स तो ये फोर्स इक्वल होगा जो वुडन ब्लॉक इस बुलेट को लगाएगी तो नेगेटिव साइन यहाँ पे हमें बताता है कि ये फोर्स उस बुलेट को और आगे मूव करने से रोकेगा जिसकी वजह से बुलेट इस पॉइंट पी पे स्टॉप हो जाएगी आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया अगर इस क्वेश्चन में कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं थैंक यू